तो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट. सो जब से वो यूजीसी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है NMMS के लिए और उसके ODL प्रोग्राम्स के लिए, सो मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड मेरा यूट्यूब का कमेंट बॉक्स सारे बॉम्बार्ड कर दिए आप लोगों ने. सब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो गए हैं और सब स्टूडेंट डर गए हैं, मेरी तरह नर्वस हो गए थे जब वो पहली बारी नोटिफिकेशन देखा. बिल्कुल बनता था यार डरना, हम स्टूडेंट्स पर क्या बीत रही है ना हम ही जानते हैं. तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वो नोटिस है एंड क्या सिनेरियो जो आजकल यूनिवर्सिटी में चल रहा है उनका इंपैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर क्या पड़ेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. अचानक से नोटिफिकेशन आ गया कि UGC डिसअप्रूव कर रहा है यूनिवर्सिटी को उनके ODL प्रोग्राम्स में. सो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि अब क्या होगा. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी अब न्यू एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उन सबके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स हैं कि अब ऐसे डिसअप्रूव होगी है यूनिवर्सिटी UGC की साइड पर, हमारी डिग्री कैसे मिलेगी, कहीं हमें फेक डिग्री तो नहीं मिलेगी, कहीं हमारा प्रोग्राम करने का कोई फ़ायदा है भी, कोई डिस्टेंस एजुकेशन का फ़ायदा है भी, या फिर हम एवं टाइम पास कर रहे हैं. अब सब मुझे पता है बहुत सारे थॉट्स हैं बीइंग अ स्टूडेंट, मेरे माइंड में भी, आप लोगों के माइंड में भी. सो इस वीडियो में हम वही छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि नोटिस है किस चीज़ के लिए एंड यूनिवर्सिटी में नोटिस में प्रॉपर लिखा क्या है. तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना दी जाए, तो इसलिए मैं शाम को शूट कर रही हूँ. सो शायद आपको थोड़ा आवाज़ भी आए बाहर स्ट्रीट से, सो उसको थोड़ा इग्नोर करना. वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स सेंड दैट नोटिस टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. सो फिर मैंने सोचा कि एक बार वीडियो तो बनानी बनती है. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे गाइज, बहुत सारे. तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बना दी जाए. सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड पूरी वॉच करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर होंगे. सो मेक श्योर कि आप कुछ भी मिस आउट मत करो और ये वीडियो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स एंड जो भी NMMS के स्टूडेंट्स हैं उन सबके साथ शेयर करना, ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके, जो भी वो थॉट्स में थोड़ा पजल्ड हो चुके हैं सारे बच्चे. सो सबके साथ शेयर करना. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो. ये जो UGC का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, ये हुआ है 17 अप्रैल 2023 को, जो कि था कल, एंड आज है 18 अप्रैल. एंड ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है बाय मिस्टर मनीष जोशी, जो कि हैं सेक्रेटरी UGC के, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के. तो गाइज देखो, 4 सितंबर 2020 को UGC ने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को ना एक फ्रेमवर्क बना के दिया था, और उस फ्रेमवर्क में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ थी जो कि यूनिवर्सिटीज़ ने फॉलोअप करनी थी. ठीक है, एक बात ये थी. और ये नोटिफिकेशन इशू करा गया था 4 सितंबर 2020 को, जब फाइनल सारी रेगुलेशंस वगैरह, रूल्स, पॉलिसीज सारी सेंड कर दी गई थी UGC के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ को. ठीक है, एक बात ये थी. और उसमें सेकंड पॉइंट है कि 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 एंड उसके बाद 18 जुलाई 2022, इन दो सालों में अमेंडमेंट्स करे गए. अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस करे गए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो फ्रेमवर्क बनाया गया था ना, उसमें चेंजेस डाले गए, अमेंडमेंट्स डाले गए. उन सारे कुछ रूल्स में चेंजेस करे गए कि ये वाले रूल्स की जगह कुछ ऑल्टरनेटिव डाला गया. UGC ने यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि आप प्लीज़ इन अमेंडमेंट्स को फॉलो करो, जो भी हमने चेंजेस करे हैं विद इन द सेट फ्रेमवर्क, वो उन सबको आपको फॉलो करना है. ठीक है, ये बात हुई थी. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये फॉलो नहीं करा, लाइक सिम्बॉयसिस भी है इसमें इंक्लूड, हमारा NMMS भी है एंड कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी मणिपाल भी है शायद, बाकी अभी श्योरिटी नहीं है थोड़ा वो, बाकी नारसिमुंजी तो हमारा है. ठीक है, उसमें ये यूनिवर्सिटी ने कुछ फॉलोअप नहीं करा. सो इसीलिए UGC ने 23 फरवरी 2023 को अपनी फाइनल मीटिंग करी, और उसमें ये डिसाइड करा गया कि कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को, जिन्होंने अमेंडमेंट्स को फॉलो नहीं करा, तो उनको जो UGC का एक्सेस एंड UGC का रिकॉग्निशन जो भी बोल सकते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया, मीन्स बैन कर दिया गया. तो ये था नोटिफिकेशन. तो उसमें से हमारा NMMS भी था, तो इसमें UGC अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल हो गया है. और फिर उस नोटिफिकेशन में था कि जनवरी फरवरी 2023, मीन्स मेरा बैच है, मैं भी उसमें गई हूँ, जैन बैच की मैं स्टूडेंट हूँ, जनवरी फरवरी बैच 2023 एंड जुलाई अगस्त बैच 2023, ये दो बैचेस को भी सस्पेंड कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की साइड से. और हाँ गाइस, जो उसमें मेंशन था ना कि ये सारे एडमिशन को सस्पेंड कर रहे हैं इस साल वाले, जनवरी फरवरी 2023 एंड जुलाई अगस्त 2023, ये सारा बैच सस्पेंड कर रहे हैं. गाइस, सस्पेंड का मतलब इसमें ये है कि न्यू इनरोलमेंट नहीं लिए जाएंगे, पहला वाला बैच कंटिन्यू ही चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है. जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी, उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है गाइस. हमारा जैसे पहले स्मूथली चलता आ रहा था वैसे चलता रहेगा. न्यू एनरोलमेंट्स के लिए भी कोई इशू नहीं है गाइस, बिल्कुल भी. बट उनमें ये है कि एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा सस्पेंड हो गया एडमिशन प्रोसेस, बाकी उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सारा डिटेल में समझा दूंगी. फिर अगर आपको एडमिशन वगैरह करवाना होगा, आप मेरे थ्रू भी जा सकते हैं, असिस्टेंस आपको मेरी साइड से भी 100% बिल्कुल अच्छी खासी असिस्टेंस मिलेगी एडमिशन के लिए. और अगर कोई भी क्वारी है, यू कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल और
ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन था कि ये सारा प्रोसीजर अब कंटिन्यू होगा नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त 2024 में कंटिन्यू करा जाएगा. ये वाला साल उन्होंने सस्पेंड कर दिया UGC की साइड से. अभी ये नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन थी, पर अगर मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो तो प्लीज़ एक बार मुझे करेक्ट करना. जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा, यही सारी इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है. ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे. तो गाइस चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पर. जो मैंने बात करी अपने सारे काउंसलर सर से एंड जो हमारा ऑफिशियल NMMS डिस्टेंस MBA का टोल फ्री नंबर है ना 1800 करके, वहाँ पर भी मैंने कॉल करी. एंड देखो गाइस, उन्होंने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटीज़ और UGC में ना कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उसकी वजह से ही ये इन्होंने अचानक से नोटिस जारी करा है यूनिवर्सिटी के लिए. और ये ना गाइस बहुत नॉर्मल है कि यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह फॉलोअप करने के लिए भेजे जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर पाती फॉलो इन्हें या फिर किसी भी रीज़न से व्हाट्सो एवर रीज़न. तो मैम ने मुझे यही बोला कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. जो हम ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ना उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा गाइस, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो. टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है. हमारा जैसे प्रोग्राम चल रहा है स्मूथली वैसे चलता रहेगा. और जो रही न्यू इनरोलमेंट्स की बात, जो एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे वो ले सकते हैं. बट देखो इन्होंने बोला ना कि 2024 से हमारा सेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर से, इतना लंबा टाइम नहीं होगा गाइस. यूनिवर्सिटी कम्युनिकेट कर रही है UGC से एंड सारा उनका प्रोसीजर चल रहा है, डिस्कशन चल रही है. तो जैसे ही उनका कोई अपडेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आई विल लेट यू नो. बाकी अभी तक के लिए एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ही यूनिवर्सिटी की पहले रेपुटेशन थी, अभी भी रेपुटेशन है गाइस. देखो इतना बड़ा ब्रांड है यार, 700 crore का उनका टर्नओवर जा रहा है. तो आप खुद बताओ रातों रात ऐसे यूनिवर्सिटी बैन कैसे हो जाएगी? ऐसे रातों रात थोड़ा बंद कर देंगे यूनिवर्सिटी, सस्पेंड हो जाएगा सारा स्टाफ. ऐसा कुछ भी नहीं है. उनकी थोड़ी बहुत डिस्प्यूट चल रही है UGC एंड यूनिवर्सिटी के बीच में, बहुत ही जल्दी वो रिजॉल्व हो जाएगी मैम ने कहा. एंड कुछ टाइम के बाद विद इन 10-15 डेज सारा ये जो रिजॉल्व हो जाएगा सिस्टम. बस कुछ टाइम के लिए लाइक आप समझ लो कि हफ्ते के लिए इनरोलमेंट रोक दिया गया है बच्चों का जो न्यू स्टूडेंट्स आना चाहते हैं. उसके बाद 1 week के बाद सारा इनरोलमेंट प्रोसेस सारा कंटिन्यू कर देगा. जैसे पहले स्मूथली चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. एंड हमारे लिए तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है. हमारा जैसे पहले चल रहा था अभी भी वैसे ही चलता रहेगा, आराम से स्मूथ हमारा एजुकेशन, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स हमारा जैसे पहले चल रहा है वैसे चलता रहेगा. बाकी आप अगर आपको कोई भी अपडेट की नीड हो तो आप मुझे एक बारी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे नंबर पे. अगर आपको एडमिशन असिस्टेंस या फिर कोई भी क्वेरी की नीड है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आइदर ऑन माय इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. ठीक है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. बाकी रही बात डिग्री की, हाँ डिग्री का भी एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स का. तो गाइज देखो मैंने सब कुछ कन्फर्म करा मैम से. मैंने मैम को पूछा कि मैम जो डिग्री मिलेगी हमें कि वो एज सच कोई ऐसा तो नहीं मिलेगा कि रिकॉग्निशन के बिना ऐसे कोई मिल रही है, फेक डिग्री तो नहीं पकड़ा देंगे? तो उन्होंने बोला बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है. काफ़ी अच्छा ब्रांड है यूनिवर्सिटी का, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है गाइज. वो अपने मार्केट में ऐसे वैल्यू क्यों ही गिराएंगे, आप खुद बताओ. वो ऐसे मार्केट में अपनी वैल्यू थोड़ा ना गिरा देंगे फेक डिग्री इशू करके. अगर फेक डिग्री इशू करेंगे तो स्टूडेंट्स इनरोल ही क्यों करेंगे गाइज? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा खासा यूनिवर्सिटी का टर्नओवर चल रहा है, रातों रात कुछ नहीं होने वाला. हाँ बट कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यूनिवर्सिटी की साइड से, वो रिजॉल्व में लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में. जैसे ही कुछ आएगा अपडेट फिर मैम मुझे बताएंगी और मैं आगे आपके लिए वीडियो बना दूंगी. जो लोग कह रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटी तो डूब गई भाई, यूनिवर्सिटी का तो नाम ही खराब हो गया, अब गाइज आप एक सेकंड के लिए कॉमन सेंस लगा के देखो कि यूनिवर्सिटी का 700 crore का अच्छा खासा टर्नओवर चल रहा है, अच्छा खासा उसका ब्रांड वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है. आप खुद बताओ एक नोटिस की वजह से वो रातों रात डूब जाएगी क्या? रातों रात बंद हो जाएगी या फिर वो एक साल के लिए पूरा अपना सारा उनका एकेडमिक्स पूरा सारा सस्पेंड हो जाए? आप खुद बताओ ऐसे कैसे हो सकता है गाइज? ये ना थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स वगैरह चलते रहते हैं गाइज, तो आप समझो थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह भी होती है बीच बीच में कभी कभी, तो इसलिए ये आराम से हो जाएगा. थोड़ा UGC में भी थोड़ा डराने के लिए भी यूनिवर्सिटी को करती हो ऐसे नोटिस वगैरह, ताकि जो थोड़ा इनका एनरोलमेंट है एंड एडमिशन है वो थोड़ा कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए. बस वो ही हुआ है. सो आई होप कि जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 6-7 days और मैक्स टू मैक्स 10 days तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए. बाकी देखो अगर कोई भी अपडेट होगी आई विल लेट यू नो. इसलिए मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल एंड जिसके साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना. इसलिए मैंने जैसे ही नोटिफिकेशन देखा आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है. सो गाइज आप भी फटाफट इस वीडियो पर प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो जिनको कन्फ्यूजन हो रही है. बाकी देखो डिग्री का कोई पंगा नहीं है, डिग्री हमें वही मिलेगी. और रहे न्यू इनरोलमेंट्स की बात, वो कुछ टाइम के लिए बस थोड़ा सा होल्ड पे चला गया है. लाइक हफ्ता लगेगा, 1 week तक सारा रिजॉल्व हो जाना चाहिए इशू. पर जैसे रिजॉल्व होएगा अगर कोई अपडेट होएगी तो मैं आपको जरूर नोटिफाई करूंगी. उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट. ठीक है, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से चिल मारो.
आराम से पढ़ाई करो, आराम से अच्छे अच्छे नंबर लाओ, असाइनमेंट्स बनाओ। बाकी हाँ, असाइनमेंट वाली वीडियो पे बहुत सारा प्यार मिल रहा है गाइस, मज़ा आ गया वो वीडियो देख के। तो मेक श्योर कि आप असाइनमेंट वाली वीडियो को भी देखना, गाइडलाइंस को देखना सारा। अगर कोई अपडेट मैं भूल रही हूँ तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि मैं बनाऊँ, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द डे। आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके काउंसलर से क्या बात हुई, और आपको इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन है, कोई अपडेट है तो प्लीज़ मुझे बताना, सो दैट कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना रहे हम सबके बीच में। आफ्टर ऑल हम सब स्टूडेंट्स ही हैं यार, है ना। तो फिर बाकी सबके लिए चल मारो, कोई इशू टेंशन लेने वाली बात नहीं है। असिस्टेंट स्टूडेंट्स के लिए एंड न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ टाइम में ही ये सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा और सारा जो स्मूथ पे चल रहा है, सारा ट्रैक पे वापस आ जाएगा सब कुछ। अगर आपको भी कोई अपडेट मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंस्टाग्राम पे बताना, एंड मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से ज़रूर कनेक्ट करना, सो दैट एक फिर मेरे को भी थोड़ा पता लगेगा, थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना रहे हम लोगों के बीच में। बाकी दिस इज़ फॉर द डे, यही काउंसलर से मेरी बात हुई और उनका तो यही कहना है। बाकी देखो, होप फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा हो जाए, नॉर्मल हो जाए और हमारे फेवर में ही हो कुछ। सो अगर आपको भी कोई अपडेट या फिर कोई है आपको इन्फॉर्मेशन तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गाइज रिजॉल्व तो हो ही जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि अब सस्पेंड हो जाएगा हमारा सेशन या फिर जो भी है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं मुझे वीडियो में ज़रूर बताना, थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, अभी तक तो डर लग ही रहा है। बाकी काउंसलर्स ने तो यही कहा है। बाकी देखो, दिस इज़ फॉर द डे, तब तक के लिए चिल मारो एंड अच्छी अच्छी पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।